बीते कुछ समय अपराध की बढ़ती घटनाओं के बीच एक बार फिर लूट की एक बड़ी वारदात टल गई, जब बैंक के गार्ड ने जान पर खेलकर अपराधियों को भागने पर मजबूर कर दिया। यह घटना सहायक थाना रिफाइनरी क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र बरौनी स्थित देवना SBI बैंक शाखा की है, जहां 3 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने हथियार से लैस होकर बैंक लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। इस दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी किया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दिनदहाड़े हथियार से लैस नकाबपोश 3 अपराधी बैंक पहुंचे और बैंक को लूटने की कोशिश की, पर बैंक के सुरक्षा गार्ड राकेश कुमार ने अपने साहस का परिचय देते हुए अपराधियों से दो दो हाथ किया और जोर जोर से शोर मचाने लगे। शोर मचाने के बाद बैंक कर्मी, मौजूद ग्राहक और स्थानीय लोगों की भीड़ जुटने लगी, जिसके बाद अपराधी अपने को घिरते देख बिना घटना को अंजाम दिए मौके से फरार हो गया। इस दौरान बैंक के आसपास काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इस संबंध में मुख्य शाखा प्रबंधक मुकेश कुमार ने बताया कि हथियार से लैस 3 अपराधी तकरीबन 2 बजे लंच के वक्त बैंक में घुसे, जिसका गार्ड ने दिलेरी के साथ अपराधियों का सामना किया, जिसके कारण बैंक लूट की बड़ी घटना होने से बच गया। उन्होंने बताया कि लंच टाइम होने के कारण लोगों की संख्या बैंक में कम थी, जिसके बावजूद गार्ड ने साहस का परिचय देते हुए अपराधियों को भागने पर मजबूर कर दिया। मुकेश कुमार ने बताया कि अपराधी हथियार से लैस थे। इस दौरान मुख्य शाखा प्रबंधक ने गार्ड राकेश कुमार की दिलेरी की जमकर तारीफ की और बताया कि बैंक में लूट की घटना उनकी हिम्मत के कारण टल गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी गार्ड के साहस की तारीफ की और बैंक की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। आपको बताते चले कि यह बैंक बरौनी रिफाइनरी औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद फैक्ट्री और स्थानीय लोगों के लेन देन का काम करता है। BNP न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। किस तरह की घटना घटी थी? घटना के बाद यहाँ पे आए थे और यहाँ पर करीब 2 बजे के करीब में 3 अपराधी जो हैं वो बैंक में घुसे थे और फिर वो लूटने का प्रयास उन्होंने किया था, बंदूक था, लेकिन यहाँ पे जो गार्ड हैं उनका बहुत शाखा गिरा और दिल्ली से उन्होंने उसका सामना किया, इसीलिए वो भाग देते हैं, क्योंकि घटना का अंजाम नहीं कर पाए वो। नहीं तो गार्ड की तत्परता ही एक कारण था, वो तुरंत में अलर्ट हो गए, उन्होंने सामना भी किया लेकिन उनके हाथ में गन था, तो गन देखने के बाद वो फिर तुरंत चिल्ला करके अंदर में लोगों को अलर्ट कर दिया, तो लोग अलर्ट हो गए और अंदर में भी जो लोग थे तो उसमें क्योंकि लंच का समय था तो उनको अंदर में कस्टमर कम थे और क्या कहता है अब स्टाफ भी तभी लंच देते तो उस हिसाब से कहता है कम लोग दिखे उनको। अच्छा, तो उनको लगा कि कुछ अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, कुछ ऐसा मिलेगा नहीं, तो भाग गए। उनको लगा हुआ कि गार्ड जो है अंदर भागे हैं वो, तो वैसे तो कुछ लाने के लिए गए हों या लोगों को अलर्ट करने के लिए, इस कारण से वो जिस तरीके से आए थे विद इन द 5 सेकेंड या 10 सेकेंड का खेल ये होगा, सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर में वो यहाँ से वापस चले गए। क्या नाम बताया है कि 3 अपराधी जो है इसमें संलिप्त हैं, अब बाकी और होने की संभावना है, सूचना है, और ये लोग जो है वारदात करने के क्रम में जो असफल रहे और असफल होने के क्रम में जो है जो यहाँ पर जो श्रेय जाता है यहाँ के जो गार्ड थे उन्होंने अपने जान पर खेलकर ये वारदात ना होने पर जो है इन्होंने बहुत बड़ा योगदान है। हम जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं कि वो जो गार्ड हैं जिनका नाम राकेश कुमार है इनको सम्मानित किया जाए। साथ ही साथ आज अभी बैंक मैनेजर साहब से भी बात हुआ है, हमने भी उनको बोला है कि जो आपके स्टाफ है उनके योगदान की वजह से ये घटना नहीं हो पाई।